हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी 12:30 बज गया है और कुकिंग वगैरह सब कुछ मतलब आधा आधा हुआ है। आज देसी चिकन बना रही हूँ। तो एक बात आप लोगों को बता दूँ, जिन्होंने जिन्होंने मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, आपको मेरा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है पता नहीं, मेरा गला की वॉइस थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। और तो बोल दूँ कि जैसे मैं अभी इस तरह बोला ना, हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, तो आप भी इस तरह छोटा छोटा करके वीडियो मुझे भेजिए, तो मैं जब वीडियो स्टार्ट करूँगी ना, आपका वीडियो भी मैं मेरा वीडियो में मतलब मेरा ब्लॉग में डाल सकूँ। तो जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने मुझे छोटा छोटा जितना टाइम लगता है ये बोलने के लिए, उस तरह छोटा छोटा क्लिप करके मुझे फेसबुक मैसेंजर में नहीं तो फिर इंस्टाग्राम में मुझे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर राइस हो रहा है और यहाँ पर देसी चिकन, इसमें पानी डालूँगी अभी। देसी चिकन में ये थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल रही हूँ, तो जल्दी से हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा बेटी के लिए एक मिक्स वेज बना दिया, ड्रमस्टिक, कच्चा केला, आलू, बैंगन और करेले के साथ मिक्स वेज। तो ज़्यादा बर्तन नहीं निकलेगा, इसीलिए हम लोग कले की पत्ते में खा रहे हैं। फिर ये तो निकलेगा ना छोटा छोटा। आर्यन खा रहा है यहाँ पर, आर्यन की पापा और ये मेरा। तो चिकन और राइस ना कले की पत्ते में खाने के लिए मज़ा तो थोड़ा सा अलग है कि आर्यन अलग नहीं, बोल तुझे कैसा लग रहा है, बोल। ऊपर चला जाता है, आर्यन को आदत नहीं है डाइनिंग में बैठ के खाने के लिए, तो उसका जो प्लेट है ना वो फूल जा रहा है ना, कि डाइनिंग में बैठ के खा रहा है। हाँ तुमको आदत है? मेरा आदत है, तुम्हारा क्या है बाबा? पूरा मुंह में ना किस तरह खा रहे हो तो आर्यन का फोकस। हाँ, आर्यन का पेट फूल जा रहा है डाइनिंग में बैठ के खा रहा है ना, किस तरह खा रहा है देखिए। हाँ, पैर ऊपर। तो मैंने बोला कि आज से डाइनिंग में बैठ के खाएंगे, सिर्फ ये कांच को थोड़ा सा पोछा लगा दूंगी तो साफ हो जाएगा ना। की बाबा बोल, कुछ तो बोल, कुछ नहीं बोलना। ओके तो अभी शाम के 4 बज गया, ऐसा हस्बैंड मिला है किसी को। मेरा हस्बैंड को देखिए कितना अच्छा है, चाय बनाना हो गया, अभी हम चाय पियेंगे गरम गरम चाय। देखिए ऐसा हस्बैंड किसी को मिला है, मुझे मिला है, दिखाओ थोड़ा सा फेस। तो चाय रेडी है बच्चे, आ जाओ। ओ बच्चे चाय रेडी है, आ जाओ। भाई बहन दोनों आ जाओ रे, आए बाबू। देखिए यहाँ पर मैं खोज रही हूँ बाबू, बाबू बेटा लग गया काम पे, मोबाइल है बड़ा काम अभी, और क्या बताऊँ। हाँ, काढ़ा पीते पीते ना पूरा पेट गर्म हो गया है, तो इसीलिए आज दूध से थोड़ा सा चाय बना के हम लोग पी रहे हैं। और ये चाय पीने के बाद माँ बेटे दोनों हम लोग जाएंगे अभी मेरा पापा जी और बहन जी को देखने के लिए। तो स्कूटी लेके जाएंगे बाबा थोड़ा सा घूम के। अरे बाबा तुमको आ गया ना, हाँ तुमको आ गया क्या? तो अभी हम जाएंगे चाय पीने के बाद थोड़ा सा घूमने, क्योंकि 1 वीक हो गया है घर के अंदर, अच्छा नहीं लग रही है, थोड़ा सा घूम के आएंगे।
पर फैक्ट्री के सामने पहुंच गए हैं हम लोग। मेन गेट है फैक्ट्री का यहाँ पर। तो एक बार मैं 1 वीक के पहले एक बार क्या कांड की थी कि हम लोग का फैक्ट्री में 4 व्हीलर रहता है ना, तो इसके अंदर है, तो 4 व्हीलर को निकल के मैं यहाँ पर ला के ये जंगल के अंदर घुसा दिया था। तो एक जंगल के वजह से मैं बच गई, नहीं तो उस दिन पूरा मेरा क्या होता। आज आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी, तो आज शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा क्लिप करके रखी हूँ, तो देख लीजिए। लुकोर बेड़ा भांग गया बे। तो गाइस रात के अभी 10:30 बज गया और हम आए हैं, जो गए थे पापा जी और बहन जी को देखने के लिए ना, तो हम माँ बेटे दोनों घूम के आए हैं 9:30 बजे, क्योंकि काफ़ी टाइम वहाँ पर रह गए थे हम लोग। तो भाई आया था हम लोग को छोड़ने के लिए, तो भाई छोड़ के थोड़ा सा डिनर करके गया है। तो आज का ये वीडियो और कंटिन्यू नहीं करूँगी, तो अभी एड करूँगी और वीडियो एडिटिंग करूँगी, फिर रेडी करके टाइटल थंबनेल सब कुछ रेडी करके 8 बजे कल सुबह अपलोड हो जाएगा। रेडी करके रख दूँगी, कल सुबह अपलोड हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।